हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी अड्डा चैनल पे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे दिल्ली सुल्तानेट के बारे में। तो दिल्ली सुल्तानेट शुरू करने से पहले मैं लास्ट के जो लेक्चर लिया था उसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। लास्ट का लेक्चर हमने मोहम्मद गौरी ख़त्म किया था। मोहम्मद गौरी 1206 में मर गए थे। मोहम्मद गौरी ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीदा था, ठीक है, और इसको अपना स्लेव बनाया था। जब वो मर गया मोहम्मद गौरी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजपाट संभाला और इसने दिल्ली सुल्तानेट की शुरुआत की, ठीक है। ये जो दिल्ली सुल्तानेट है ये कुतुबुद्दीन ऐबक से ही शुरू हो जाता है। ये AD 1206 से लेकर 1526 तक चलता है। बाबर जब तक आता नहीं है, मुगल नहीं आते तब तक। अब देखिए, जो ये दिल्ली सुल्तानेट है इसमें पांच डायनेस्टी आते हैं। द इलबारी डायनेस्टी, जिसे स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, जिसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, द खिलजी डायनेस्टी, द तुगलुक डायनेस्टी, द सैयद, द लोधी। तो देखिए, अब जो दिल्ली सुल्तानेट है वो स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव था और इसीलिए इसको स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, इलबारी डायनेस्टी भी और ममलुक डायनेस्टी भी, सब एक ही नाम है, ठीक है। तो इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक और इसी डायनेस्टी से दिल्ली सुल्तानेट स्टार्ट होता है। अब देखिए, जो फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो पहले मुस्लिम रूलर थे इंडिया के, ठीक है। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये पहला मुस्लिम रूलर था इंडिया। अभी जितने थे वो रूलर आते थे चले जाते थे, मतलब वो कोशिश कर रहे थे हमारे देश में राजपाट अपना फैलाने के लिए, बट ये कम्प्लीटली एक परफेक्ट बोल सकते हैं फर्स्ट मुस्लिम किंग इन इंडिया। अब देखिए, इनने क्या कर दिया, इनको टाइटल मिला मलिक का, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक का टाइटल मिला और सिप हसलारा इनको बोला जाता था, ठीक है, इन्हें सिप हसारा बोला जाता था। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इनने किया कि इनने अपना कैपिटल लाहौर में ही रखा, दिल्ली कैपिटल उस टाइम पे नहीं लाया। ये बाद में दिल्ली लेके आए, वो शामुद्दीन इल्तुतमिश ने कम्प्लीटली किया था, बट ये इनके टाइम पे लाहौरी कैपिटल हुआ करता था, ठीक है, मेन जो कैपिटल था। अब ये बहुत फेमस थे, इन्हें माना जाता था कि ये बहुत महान आदमी थे और ये बहुत, इनको उपाधि भी मिली थी लक्ष्यभक्श। लक्ष्यभक्श मतलब बहुत बड़ा दिल का आदमी होता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लक्ष्यभक्श बोला जाता था, ठीक है। और ये बहुत उदारता वाले आदमी थे, बहुत महान थे, माना जाता था उस टाइम पे। देखिए, इनने फाउंडेशन रखा था कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार जो बना है दिल्ली में है, कुतुब मीनार में आपको फोटो भी दिखाऊंगा, उसका फाउंडेशन किसने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये जो कुतुब मीनार का जो फाउंडेशन रखा था किसके नाम पे, ये सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के नाम पे ये कुतुब मीनार का नाम रखा गया है। और देखिए, ऐबक ने कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ बनाई, उन्होंने पहला मॉस्क बनाया इंडिया में जो क्वात उल इस्लाम जो दिल्ली में है, फिर इन्हें अदाईद्दीन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन इन्हें करवाया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये हसन निज़ामिन और फ़क्रुद्दीन को ये बहुत मानते थे, ठीक है। और इनके टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, ठीक है, कि ये जो ताज उल मसीर और तरीकी मंबरिक शाही, ठीक है, ये इनके दो काम थे जो इन्हें लिखा था। इन्हें लिखा था ताज उल मसीर और तरीकी मुबारक शाही इन्हें लिखा था, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि हसन निज़ामी और फ़क्रुद्दीन को ये मानते थे, पेट्रोनाइज करते थे, ये बहुत माना जाता है कि ये बहुत बड़े दिल के ये जो थे रूलर थे। देखिए, इनकी मौत बड़ी एक अजीब सी इंसिडेंट हुआ, ये चौगन पोलो जो होता है ना, हॉर्स राइडिंग होता है, वो खेल रहे थे, वहाँ से गिर के इनकी मौत हो गई लाहौर में। इनकी मौत हुई 1210 में, ठीक है। इनके बाद देखिए, जैसे इनने कुतुब मीनार ये बनवाया था दिल्ली में, ठीक है, इनने स्टार्टिंग कराया था, फाउंडेशन रखा था, बनवाया नहीं था, पूरा कंप्लीट नहीं करवाया था। उसके बाद ये है आपका क्वात उल इस्लाम का मॉस्क्यू है जो दिल्ली में है। उसके बाद ये आपको है अदईद्दीन का झोपड़ा, ठीक है। तो ये सब इनने बनवाया था। अब देखिए, इनके बाद आते हैं शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। ये इनको रियल फाउंडर माना जाता है दिल्ली सुल्तानेट का, क्योंकि इनने कैपिटल अपना दिल्ली सेटअप किया था, ठीक है। और ये बहुत, मतलब माना जाता है कि ये बहुत एम्बिशियस थे और ये चाहते थे कि ये बहुत अपना राजपाट को बहुत आगे तक पहुँचाए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक देखना, ये ऐबक के ही बेटे थे, ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे थे। इनने बहुत सारे एक्सपीडिशन भेजा राजपूत के अगेंस्ट, जो रणथंबोर में थे, जलवार में वार, ये राजपूत के खिलाफ बहुत सारे इन्हें आक्रमण किए और वहाँ पे बहुत सारे विक्ट्री भी पाई। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम जान लेते हैं, ठीक है। ये दो ग्रुप बनाए थे, ठीक है, एक तुर्की स्लेव ऑफिसर थे, ठीक है, और एक ताजिक थे, ठीक है। और ये एंटायरली जो रूलर थे ये फॉरेन के ही थे, जैसे मैंने बताया, ये जितने भी आए थे दिल्ली सुल्तानेट, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, ये कोई भी हमारे ओरिजिन के रूलर नहीं थे, ये सब बाहर के रूलर थे, अरबियन कंट्री से आए थे, अरब से आए थे। तो देखिए, इनने सिल्वर कॉइन, बहुत इंपॉर्टेंट, इनने सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन इनने इशू किया, ठीक है। सिल्वर कॉइन को टंका बोला जाता था और कॉपर कॉइन को जीटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछ लेगा एग्जाम में
कि किस रूलर ने दिल्ली सुल्तानेट का सिल्वर और कॉपर कॉइन इशू करवाया था, तो शहामुद्दीन तुतमिस ने, और सिल्वर कॉइन को टंका और कॉपर कॉइन को जीटल कहते थे। इनने एकता सिस्टम ऑर्गेनाइज की, जिसमें इनने बहुत सारे रिफॉर्म भी किए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में और आर्मी में, बहुत सारे इन्हें रिफॉर्म किए। और इनने सबसे इम्पॉर्टेंट, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एग्ज़ाम में इनके लिए पूछा जाता है, तुर्कनी चालगनी, ठीक है, इनने एक ग्रुप बनाया जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत पावरफुल तुर्किस नोबल हुआ करते थे, ठीक है, जिसे बोला गया तुर्किस चालगनी और चालीसा, ठीक है, ये फोर्ट, इसमें 40 एकदम पावरफुल तुर्किस नोबल्स थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर थे। फिर देखिए एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है, ठीक है, अब 18 फरवरी 1229 में जो खलीफा थे, उन एक कुछ इमेजिनरी फ्रॉम बगदाद से उनने कुछ एक लॉ पास किया, ठीक है, वो लॉ ये था कि दिल्ली सुल्तानेट का मतलब वो रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए डिग्री ऑफ रजिस्टरिंग क्या हुआ, अब डिग्री ऑफ रजिस्ट्रिंग मतलब कुछ एक कानूनी ऐसा प्रस्ताव खलीफा ने पास किया जिससे दिल्ली सुल्तानेट वहाँ पे एकदम ऑफिशियली स्थापित हुआ। अब देखिए यहाँ पे इतुतमिस को फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग कहा जाता था, इनने सुल्तान गहरी बनाए, मैंने आपको दिखाऊंगा फोटो में, और इनने कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया, कुतुब मीनार की स्टार्टिंग कराई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट कंप्लीट इनने करवाया, ठीक है। अब हम और कुछ जान लेते हैं इनके बारे में, ये देखिए इनने चंगेज खान के जो आक्रमण से बचाया था, ठीक है, इंडिया को, तब क्या कर रहा था कि चंगेज खान बहुत बड़ा नाम था, एकदम ऐसे मासकर कत्लेआम चंगेज खान करता था, बहुत पावरफुल था, उसकी भी स्टोरी मैं कभी आपको बताऊंगा। तो चंगेज खान जब आक्रमण करने इंडिया में आ रहा था, वो क्यों आ रहा था, क्योंकि वो ख्वाजीराम शाह को ढूंढ रहा था, ठीक है, ख्वाजीराम शाह को ढूंढ रहा था, मगर जो ये शायमुद्दीन इतुतमिस थे उन्होंने मना कर दिया कि हमारे इधर ख्वाजीराम शाह नहीं है, तो चंगेज खान ने यहाँ पे आक्रमण नहीं किया। अब ये देखिए, ये मैंने आपको जो दिखाया है, ठीक है, यही सुल्तान गहरी है, ठीक है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं, इसके बाद शायमुद्दीन इतुतमिस के बाद रजिया सुल्तान आती हैं, ये पहली और लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर थी, ठीक है, मिडिवल इंडिया की, इन्हें फर्स्ट रिबेलियन भी कहा जाता है, ठीक है, इनने कबीर खान के से विद्रोह कर दिया था जो लाहौर के गवर्नर थे, फिर अल्तुनिया, ठीक है, जो गवर्नर थे भटिंडा का, वो भी एक रिवोल्यूशनरी था, ठीक है, ये दोनों ने बाद में जब इससे लड़ाई हुई रजिया सुल्तान की अल्तुनिया से, तो रजिया सुल्तान ने इनको प्रिजनर बना लिया था, कैदी, और बाद में इनसे शादी कर लिया था। अब रजिया सुल्तान को डिफीट किया था बैरम शाह ने, जो इतुतमिस का सन था, ठीक है, और रजिया सुल्तान के बाद फिर खाली पड़ गया ये स्लेव डायनेस्टी, बीच में कौन कौन आया आप देख लीजिए, बैरम शाह आया 1240 से 42, उसके बाद अलाउद्दीन मौस शाह आए, फिर नसरुद्दीन मोहम्मद आए, नसरुद्दीन मोहम्मद ये ग्रैंड सन थे, ये पोते थे शायमुद्दीन इतुतमिस के। तो ये टाइम सीक्वेंस है, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मगर एक बार आप देख लीजिए। अब देखिए बलवन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए हमने जितना पढ़ा ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, शायमुद्दीन इतुतमिस, रजिया सुल्तान, अब हम बलवन पढ़ रहे, तो जो हम कुतुब स्लेव डायनेस्टी के बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके क्या इंपॉर्टेंट काम थे, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए बलवन ने थ्रोन संभाला था 1266 से 67 में, तब बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे, ठीक है, मगर इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो किंग थे ना, किंग, ये नोबिलिटी स्टार्ट कर दिए थे, मतलब इनके इधर क्या होता ना कि जो राजा है नोबल का बेटा ही किंग का बेटा है, तो किंग पहले बनता ही था, मगर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पोजीशन पे थे उनके ही बच्चे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठते थे, ठीक है। इनने क्या कर दिया, मिलिट्री डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट से अलग कर दिया, ठीक है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को दीवानी विजारत कहते हैं, देखो एग्जाम में मैच द फॉलोइंग आ जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्या बोलेंगे, फिर मैच करना होगा दीवानी विजारत, फिर मिलिट्री को क्या बोलेंगे, दीवानी अर्जी, ठीक है। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं, देखिए जो बलवंत थे ना, ये एक क्या करते थे ना, ये किंगशिप को एक बहुत महान बना दिया, मतलब जो राजा है ना उसको बोला कि अपने जनता के सामने बोला कि राजा मान लो कि ये धरती पे एक भगवान है, ठीक है, गॉड ऑन अर्थ, जिसे बोले नियाबत ई खुदाई। अब इनने क्या किया कि किंग की डिग्निटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, उसको भगवान से कंपेयर कर दिया, इनने प्रोफेट मोहम्मद से अपने आप को कंपेयर किया, और ये इनने क्या बोला कि जिल्ले इलाही, जो किंग है वो भगवान का छाया है, शैडो ऑफ गॉड है, ठीक है। बलवन ने जितना भी चालीसा थी जो शायमुद्दीन इतुतमिस ने जो पावरफुल थी नोबल के, अब देखिए जो 40 पावरफुल नोबिलिटी की जो एक ग्रुप था जिसे चालीसा बोलते थे, वो बहुत पावरफुल हो गया, तो वो कहीं ना कहीं किंग को भी डोमिनेट कर रहा था, तो इसकी पावर बलवन ने ख़त्म कर दी, पूरी हटा दी, चल साइड हटो, ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा उछल रहे हो। अब देखिए बलवन ने
सजदा और पैबोस स्टार्ट करवाया। ठीक है, सजदा मतलब अपने राजा के सामने झुकना और पैबोस मतलब उसके पाँव को चूमना। इनने नौरोज फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है नौरोज फेस्टिवल किसने स्टार्ट करवाया, तो बलवन ने। ठीक है, बलवन ने बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए अपना जो सेफ गार्ड करने के लिए मंगोल इन्वेजन की, मंगोल से जो चंगेज़ खान मंगोल में था वहाँ से कोई आक्रमण ना करे। ठीक है, इसके जो बेटे थे वो मोहम्मद थे। अब देखिए, इनके जो बेटे थे वो मोहम्मद थे, उनके मरने के बाद कहीं ना कहीं पूरा आपका स्लेव डायनेस्टी एकदम ख़त्म होने पे आ गया। ठीक है, अब स्लेव डायनेस्टी में कुछ बचा नहीं। तो अब स्लेव डायनेस्टी को लास्ट में आप देखोगे, लास्ट जो रूलर थे वो थे खाई कुबाद। ठीक है, उसको जलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया और खिलजी डायनेस्टी इसके बाद सेटअप कर दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसके ऊपर पद्मावत एक मूवी भी बनी है जिसमें जलाउद्दीन खिलजी तो फाउंडर था मगर अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ा रूलर बना जो पद्मावती में उसका पार्ट दिखाया अलाउद्दीन खिलजी का। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, अब स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गई। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके, शेयर, लाइक। थैंक यू।